हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू बायोलॉजी बाय नेहा। और आज की वीडियो बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो थी, सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट मालवेसी फैमिली। मालवेसी फैमिली के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। जो मालवेसी फैमिली होती है उसको हम कॉमनली, कॉमन लैंग्वेज में उसे हम हिबिस्कस फैमिली भी बोलते हैं। ऑल राइट, मालवेसी फैमिली को कॉमनली हम हिबिस्कस फैमिली भी बोलते हैं या फिर गॉसिपियम फैमिली भी बोलते हैं। ठीक है, गॉसिपियम फैमिली। मालवेसी हिबिस्कस जो सबसे कॉमन फ्लावर है, हिबिस्कस गुलहड़ का जो फूल है वो इस फैमिली के अंदर आता है, तो इसीलिए इसको हम कॉमनली हिबिस्कस फैमिली भी बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, सो दैट व्हेनेवर आई विल अपलोड अ न्यू वीडियो यू विल बी नोटिफाइड। और मैं अपने चैनल पे वीडियोज लेके आती हूँ रिलेटेड टू बायोलॉजी, जैसे कि मेरे चैनल का नाम है बायोलॉजी बाय नेहा बिनवाल। सो आप अगर 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, 12th के हैं, नीट के हैं, या फिर ग्रेजुएशन लेवल के हैं, कोई मास्टर्स के हैं, या फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी लाइफ साइंसेस से या बायोलॉजिकल साइंसेस से के फील्ड में आप लोग हैं, तो डेफिनेटली ये चैनल आप लोगों के लिए ही है और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम वीडियो अपने जो हमारी स्क्रीन है उसमें देखें, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए ये फ्लावर लगाए हुए हैं, फ्लावर्स की इमेज। वो इसीलिए कि जो मालवेसी फैमिली में जितने भी मेंबर्स आते हैं या फिर जितने फ्लावर्स होते हैं उसमें हमें जो स्पेशल कंडीशंस देखने को मिलती है, ये वाली कंडीशन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, ये इपिकैलिक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, इपिकैलिक्स हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ये एक ओवरव्यू है जो हम वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं इस फैमिली के वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इपिकैलिक्स क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। इसका जो फ्रूट होता है मालवेसी फैमिली का, वो करेक्टरिस्टिक टाइप का होता है, वो क्या होता है। और इसके जो स्टेमिन होते हैं वो बहुत सारे होते हैं और वो अरेन्ज होते हैं किसी पर्टिकुलर मैनर में, इस तरीके से कंडीशन हमें देखने को मिलती है, वो हम आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे। और जो इसका स्टाइल होता है वो भी स्पेशल तरीके का करेक्टर शो करता है, वो भी हम आगे आने वाली वीडियो अपनी स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो ये डिफरेंट तरीके की कंडीशन है, ये भी वही है जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट आपको ये दिख रहा है, आपको यहाँ पे स्टाइल की पोजीशन दिख रही है, यहाँ पे आपको स्टेमेंस कैसा अरेंज है वो दिख रहा है, ये आपको यहाँ पे स्टाइल दिख रहा है, ये स्टाइल है, एंथर्स कैसा अरेंज है, वो सभी चीज हम आगे अपनी वीडियो में पढ़ेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिस्टमैटिक पोजीशन। ठीक है, किसी भी प्लांट को, किसी भी फैमिली को डिस्क्राइब करना है तो मैंने हमेशा यही बोला है कि सबसे पहले हम उसका सिस्टमैटिक पोजीशन देखेंगे। तो मालवेसी फैमिली जब हम पढ़ते हैं तो उसका सिस्टमैटिकली अगर हम चलें तो इट बिलोंग्स टू, कोई भी मेंबर अगर मालवेसी फैमिली का है तो वो किस किस ऑर्डर में, कौन से ऑर्डर में, फैमिली में, ठीक है, बिलोंग करेगा वो हम देखेंगे। इट बिलोंग्स टू फेनेरोगेम्स, डायकोटिलेडन्स, पॉलीपेटली, थैलमी फ्लोरी, मालवेज ऑर्डर एंड फैमिली मालवेसी। मालवेसी फैमिली को हम पर्टिकुलरली यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो अब अगर हम इसका सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन देखें, कोई भी फैमिली अगर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लिखेंगे उसका सिस्टमेटिक पोजीशन, फिर लिखेंगे हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन कि वो फैमिली कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और कौन कौन उसके कॉमन या फिर वेल नोन मेंबर्स हैं। ठीक है, जो कॉमनली हम यूज करते हैं। अगर आप लोग अपनी नोटबुक में अगर नोट्स बनाएंगे या फिर एग्जाम में फैमिली को डिस्क्राइब करेंगे तो इसी तरीके से करिएगा जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन लिखिएगा, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो मालवेसी फैमिली इंक्लूड 75 जेनरा, अलग अलग बुक्स में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है 75 जेनरा इसमें इंक्लूडेड है और 1000 स्पीसीज अभी तक नोन है। और ये जो फैमिली है मेनली कन्फाइंड है सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन पे। ठीक है, जो भी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन है वर्ल्ड के वहां पे ज्यादातर इस फैमिली के मेंबर्स देखने को मिलते हैं मालवेसी फैमिली के। और अगर हम इंडिया की बात करें, हम कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, तो हम वर्ल्ड के साथ साथ अपनी इंडिया का भी थोड़ा डेटा देंगे। इन इंडिया ये जो फैमिली है वो रिप्रेजेंट करती है 22 जेनरा को। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 22 जेनरा और 110 स्पीसीज, अबाउट 110 स्पीसीज इसकी हमें देखने को मिलती है। और मोस्टली कहाँ पे, वार्मर पार्ट, जो भी इंडिया का वार्मर पार्ट है, गर्म एरिया है, ट्रॉपिकल एरिया में प्रेजेंट रहते हैं ये,
ऑलरेडी वर्ल्ड के, तो इंडिया में भी जो गर्म एरिया है, जो गर्म जगह है, ज्यादातर मेंबर्स इसके वहां पे हमें देखने को मिलते हैं। और अगर इसका वेल नोन एग्जाम्पल देखें इस फैमिली के, तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या हो गया, हिबिस्कस। ठीक है, वेल नोन एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, हिबिस्कस। ये तो आप लोगों को पता है, ये सभी ने देखा होगा हिबिस्कस फ्लावर। ठीक है, इसको हम रोज मेलो भी बोलते हैं। और एबल मॉस्कस एस्कुलेंटस आपने खाई होगी, बहुतों की फेवरेट वेजिटेबल होती है, लेडी फिंगर मेरी भी है। ठीक है, एबल मॉस्कस एस्कुलेंटस जो भिंडी है, वो भी किसकी कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, इट बिलोंग्स टू मालवेसी फैमिली। गॉसिपियम है जिसकी कि जो उसका कॉमन गॉसिपियम फैमिली भी बोलते हैं हम इसको, यानी कि कॉटन, वो भी इसमें बिलोंग करता है। ठीक है, मालवेस्ट्रम वो भी मेलो, वो भी इसमें बिलोंग करता है। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हैं। ठीक, अब हम देखते हैं इसके वेजिटेटिव करेक्टर के बारे में। वेजिटेटिव करेक्टर यानी कि उसका हैबिट क्या है, उसकी रूट क्या है, स्टेम क्या है, और फिर लीफ किस तरीके से अरेंज है, उसका इन्फ्लोरेसेंस, एक एक करके हम एक एक चीज को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, हैबिटेट क्या है उसका, वो देखेंगे सबसे पहले। तो हैबिट की अगर हम बात करें, नॉट हैबिट, हैबिटेट, हैबिट। ठीक है, यानी कि वो कैसा है, वो हर्ब है, श्रब है, ट्री है, क्लाइंबर है, वो क्या है। उस फैमिली के मेंबर्स जो हैं मेनली क्या होते हैं, मालवेसी फैमिली के मेंबर्स मेनली हर्ब के फॉर्म में हमें दिखते हैं, श्रब्स भी होते हैं और कुछ कुछ ट्रीज भी हमें देखने को मिलते हैं। और ये क्या होते हैं, सम आर एनुअल, कुछ एनुअल होते हैं, कुछ पेरिनियल भी होते हैं। ठीक है, अगर रूट देखिए हम, तो इनमें सिंपल टैप रूट सिस्टम हमें देखने को मिलता है। और स्टेम की अगर बात करें, स्टेम कैसी होती है, उसकी इरेक्ट होगी, सिलेंड्रिकल होगी, ब्रांच्ड होगी, सॉलिड एंड हेयरी। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि जो इसकी स्टेम होती है वो क्या होगी, सॉलिड होती है और हेयरी होती है। ठीक है, अगर आपने भिंडी का ही अगर आप लोग पेड़ लें, भिंडी का अगर हम पेड़ नहीं पौधा अगर भिंडी का लेते हैं, तो उसपे हम देखते हैं जो उसकी स्टेम होती है वहां पे छोटे 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 से हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। देखना कभी, अगर देखा नहीं है तो अब देखना, जो स्टेम होती है मालवेसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं जनरली उनके स्टेम में क्या होंगे, छोटे छोटे से हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्टेम हम क्या बोलते हैं, सॉलिड होगी और हेयरी होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है, स्टेम इज हर्बेसियस एट यंग कंडीशन एंड बिकम वुडी लेटर ऑन। यंग कंडीशन में स्टेम क्या होती है, हर्बेसियस होती है। अगर आप लेडी फिंगर का एग्जांपल ले, तो उसमें स्टेम हमें यंग कंडीशन में ग्रीन कलर की दिखती है। ठीक है, फिर लेटर ऑन वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वुडी। ठीक, स्टीलेट हेयर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्टीलेट हेयर, ये बहुत करेक्टरिस्टिक फीचर है मालवेसी फैमिली का, कि मालवेसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हेयर्स आर प्रेजेंट ऑन द स्टेम, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फैमिली। मालवेसी फैमिली का करेक्टरिस्टिक फीचर ही यही है कि उसमें स्टीलेट हेयर्स, ये जो दिख रहा है, ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये क्या हो गया, स्टीलेट हेयर्स होंगे। ये छोटे छोटे से जो हेयर्स प्रेजेंट होंगे, इनको हम बोलते हैं स्टीलेट हेयर्स। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, ये बात याद रखनी है। ठीक है, पहला करेक्टरिस्टिक फीचर हमें मालवेसी फैमिली का यहाँ से मिल गया। फिर अगर हम देखें जो स्टेम होती है, स्टेम इज म्यूसिलेजिनियस। म्यूसिलेजिनियस का मतलब होता है, जो स्टेम इज म्यूसिलेजिनियस, यानी कि स्टेम में म्यूसिलेजिनियस सैक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर आप ये स्टेम है, स्टेम में यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लीफ लगी हुई है, अगर इस लीफ को यहाँ से कट करेंगे तो आपको एक म्यूसिलेज सा फ्लूइड लिक्विड दिखेगा। ठीक है, चिपचिपा सा, तो उसको हम, वो भी करेक्टरिस्टिक फीचर है मालवेसी फैमिली का, कि जो स्टेम होती है वो म्यूसिलेजिनियस होती है। और वहाँ पे म्यूसिलेजिनियस इसलिए होती है क्योंकि वहाँ पे म्यूसिलेजिनियस सैक प्रेजेंट होते हैं। लीव्स की अगर हम बात करें, तो लीव सिंपल होती है, अल्टरनेट होगी, स्टिपुलेट होगी, स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सारे टर्म्स मैंने क्लियर किए हुए हैं, जो भी जो वीडियो है मेरी, मैं अभी वीडियो के एंड में भी प्रोवाइड कर दूंगी मॉर्फोलॉजी को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी भी प्लांट को जो कौन कौन से कॉमन टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं, वहां पे मैंने सारे टर्म को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि इससे पहले एक बार वो वीडियो देख लें, ताकि आप लोगों को वो टर्म क्लियर हो जाए। ठीक है, लीव्स में स्टिप्यूल प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम बोलते हैं लीफ इज स्टिपुलेट, स्टिपुलेट लीव्स है। ठीक है, प्रेजेंट ऑफ स्टिप्यूल, स्टिप्यूल क्या होते हैं, हेयर लाइक
स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, लीफ के बेस पे, एट द बेस ऑफ द लीफ। और ये भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मालवेसी फैमिली का। तीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमें यहाँ से मिल गया मालवेसी फैमिली के, ठीक है। ये लीफ है, ये हमारी लीफ हो गई, ठीक। और इस लीफ के बेस पे यहाँ पे हमें ऐसे क्या दिखेंगे, स्टिप्यूल्स दिखेंगे छोटे से ग्रीन कलर के, तो उसको हम बोलते हैं स्टिप्यूल्स। हेयर लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखेंगे, उसको हम बोलते हैं स्टिप्यूल्स, ठीक। तीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमें यहाँ से मिल गए। फिर हम आते हैं इनफ्लोरेसेंस में। इनफ्लोरेसेंस कैसा होता है, इनफ्लोरेसेंस यानी कि फ्लावर कैसा है, उसमें जो प्लांट है उसमें किस तरीके के फ्लावर्स अरेंज हैं, कैसे फ्लावर हैं, फ्लावर की पोजीशन कैसी है। तो जो इनफ्लोरेसेंस होता है वो इधर साइमोस टाइप का होगा या फिर रेसिमोस टाइप का होगा, दोनों तरीके का इनफ्लोरेसेंस हमें देखने को मिलता है। और जनरली जो देखने को मिलता है वो होता है सोलिटरी, एक्सिलरी और टर्मिनल, यानी कि जो फ्लावर होगा वो टर्मिनल पोजिशन पे हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लावर्स आर ब्रैक्टिएट यानी कि ब्रैक्ट प्रेजेंट होंगे और साथ साथ में एपिकैलिक्स भी प्रेजेंट होता है। ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस फैमिली का, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक फीचर की यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ एपिकैलिक्स, एपिकैलिक्स प्रेजेंट होते हैं। और फ्लावर कैसे होता है, पेडिसिलेट फ्लावर होता है, पेडिसिलेट यानी कि फ्लावर में पेडिकल प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये फ्लावर यहाँ से डेवलप हो रहा होगा और ये जो स्टॉक होता है जो फ्लावर को पकड़ के रखता है, बियर करके रखता है, उसको हम बोलते हैं पेडिकल। तो फ्लावर पेडिसिलेट होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है यानी कि बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होंगे वो एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे, एक्टिनोमॉर्फिक होगा और हाइपोगाइनस होगा। ये सभी टर्म मैंने क्लियर किए हुए हैं, इसीलिए मैं बार बार ये बोलूंगी कि आप पहले वो वाली वीडियोज को देखिए फिर ये वीडियोज में आना, ठीक है। तो ये इस स्लाइड से हमें मालवेसी फैमिली की चार कैरेक्टरिस्टिक फीचर पता चले, ठीक। अब हम आते हैं कैलिक्स। कैलिक्स मतलब सेपल्स। सेपल कैसे होते हैं, सेपल्स जो होते हैं वो यूजुअली फाइव होते हैं, फाइव प्रेजेंट होते हैं। गैमोसेपल्स होते हैं यानी कि सेपल्स यूनाइटेड होंगे, ग्रीन होते हैं और यूनाइटेड होंगे। और एस्टिवेशन कैसे होगा, वॉल्वेट एस्टिवेशन हमें मालवेसी फैमिली में देखने को मिलता है, इन केस ऑफ सेपल्स आल्सो और इन केस ऑफ पेटल्स आल्सो। अब कोरोला की अगर हम बात करें तो कोरोला मेनली फाइव होते हैं, पॉलीपेटलस होंगे यानी कि फ्री होंगे पेटल्स, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होंगे। बट किसी किसी स्पीसीज में जो पेटल्स होते हैं उनका नंबर फाइव से ज्यादा भी हमें देखने को मिलता है। अगर आप हिबिस्कस का ही प्लांट लें तो दो तरीके के प्लांट हमें देखने को मिलते हैं, एक में फाइव पेटल देखने को मिलते हैं और दूसरा हिबिस्कस का प्लांट होता है उसमें हमें नंबर ऑफ पेटल ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है, ये एक्सेप्शन हो सकता है। और वो ज्यादा नंबर ऑफ पेटल्स देखने को इसलिए मिलते हैं ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ स्टेमेंस इनटू पेटल्स। स्टेमेन का कन्वर्जन किस में हो जाता है, पेटल्स में हो जाता है, इसीलिए वहां पे पेटल्स का नंबर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखनी है कि जो पेटल्स का नंबर बढ़ता है वो किस वजह से बढ़ता है, ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ स्टेमेंस इनटू पेटल्स, ठीक है। और पेटल्स आर यूजुअली लार्ज, पेटल्स बड़े होते हैं, शोवी होते हैं ताकि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके फॉर इंसेक्ट पॉलिनेशन। और पेटल्स क्या होंगे, इम्ब्रिकेट होगा, उनका जो एस्टिवेशन होगा पेटल में इम्ब्रिकेट होगा, ट्विस्टेड होगा, नॉट वेलवेट। वेलवेट हमें सिर्फ कहाँ देखने को मिलेगा, सेपल के केस में देखने को मिलेगा। और पेटल के केस में हमें जो एस्टिवेशन देखने को मिलेगा वो इम्ब्रिकेट और ट्विस्टेड एस्टिवेशन हमें देखने को मिलेगा। अब आते हैं हम एंड्रोशियम में। एंड्रोशियम यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो किस तरीके का होगा, ये बहुत करेक्टरिस्टिक फीचर है इस फैमिली में कि एंड्रोशियम की कंडीशन कैसी होती है। जो स्टेमेन होंगे वो मेनली क्या होते हैं, रेनी फॉर्म होंगे, मोनोथिकस होंगे, ठीक है। मोनोथिकस, मोनो मीन्स वन, वन लोब्ड होंगे, ठीक है, एक लोब उसमें प्रेजेंट रहेगा बस। और जो फिलामेंट होंगे वो फ्यूज हो जाते हैं एंड फॉर्म कॉमन स्टेमिनल ट्यूब। सारे फिलामेंट एंथर्स जो अलग अलग हमें एंड्रोशियम जो देखने को मिलेगा, जो स्टेमेन हमें देखने को मिलेंगे, उसके सारे फिलामेंट क्या करते हैं, एक साथ फ्यूज हो जाते हैं और एक कॉमन स्टेमिनल ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनो एडल्फस कंडीशन, ठीक है, मोनो एडल्फस कंडीशन। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये मैं आप कॉमन स्टेमिनल ट्यूब बना रही हूँ, यहाँ पे जितने ये एंथर होंगे मोनोथिकस एंथर होते हैं, ठीक है, एक ही इनमें लोब प्रेजेंट रहेगा, यानी कि ये ऐसे एंथर और फिलामेंट ऐसे, ये एंथर हो गया
और ये फिलामेंट हो गया। अब ये जो फिलामेंट वाला पार्ट है, ये सारे स्टेमेन के फिलामेंट वाला पार्ट एक साथ क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है और एक कॉमन स्टेमिनल ट्यूब बनाता है। ठीक है, ये वाला, ये जो ये वाला पोर्शन है इसको हम बोलेंगे स्टेमिनल ट्यूब। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमिनल ट्यूब। ये सारे जो फिलामेंट है वो फ्यूज हो जाते हैं, एक कॉमन स्टेमिनल ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं और इसी को हम बोलते हैं मोनोएडल्फस कंडीशन। बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर है कि मोनोएडल्फस कंडीशन कहाँ प्रेजेंट होती है या फिर मोनोएडल्फस कंडीशन कहाँ देखने को मिलती है। तो ये पांचवा करेक्टरिस्टिक फीचर हो गया किसका, मालवेसी फैमिली का। आपको करेक्टरिस्टिक फीचर्स याद रखने हैं फैमिली के, क्या क्या करेक्टरिस्टिक फीचर है उस फैमिली में। अब हम आते हैं गाइनोशियम में। गाइनोशियम भी क्या होती है, उसमें फाइव कार्पेलरी होती है, यानी कि पेंटा कार्पेलरी होती है। पेंटा कार्पेलरी से ज्यादा भी हो सकते हैं, जिसमें नंबर ऑफ पेटल्स ज्यादा होंगे वहां पे हमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्पल देखने को मिलेंगे, यानी कि पॉलीकार्पलरी भी हो सकती है। और जो कार्पल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्यूज्ड होंगे। ठीक है, फ्यूज्ड कार्पल होंगे और ओवरी क्या होगी, सुपीरियर होगी। हाइपोगाइनस ओवरी बताया था मैंने, तो ओवरी यानी कि यहाँ पे सुपीरियर होगी विथ मैनी लोक्यूल्स, मल्टी लोक्यूलर। ओवरी क्या होगी, सुपीरियर होगी, मल्टी लोक्यूलर होगी, पेंटा कार्पलरी टू पॉली कार्पलरी होगी विथ फ्यूज्ड कार्पल्स। अब हम आते हैं इसके प्लेसेंटेशन में। प्लेसेंटेशन क्या होता है, एग्जाइल प्लेसेंटेशन होता है। ठीक है, आपने अगर भिंडी का फ्रूट देखा होगा ऐसे करके, जो ये भिंडी का फ्रूट होता है, तो उसपे हमें ये क्या देखने को मिलता है, एग्जाइल प्लेसेंटेशन। आप लोग इजिली देख सकते हैं ऐसे करके, ये उसके जो सीड्स होते हैं वो उसके एग्जाइल पोजिशन से अटैच होते हैं। ये इस तरीके के प्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, एग्जाइल प्लेसेंटेशन। ठीक है, अब इसका जो फ्रूट होता है, फ्रूट और सीड्स जो होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फ्रूट होते हैं वो क्या होते हैं, उस फ्रूट को हम बोलते हैं लोक्यूलिसिडल कैप्सूल। ये बात याद रखनी है कि जो मालवेसी फैमिली का जो फ्रूट होता है वो कैसा होता है, लोक्यूलिसिडल कैप्सूल होता है, या फिर हम उसको सीजियोकार्पिक मल्टी लोक्यूलर कैप्सूल भी बोलते हैं। ठीक, ये सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर हो गया मालवेसी फैमिली का। और इसके सीड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सीड्स हेयरी होते हैं एंड एंडोस्पर्म इज पुअरली डेवलप्ड। यही बात याद रखनी है कि जो सीड्स होंगे वो क्या होंगे, हेयरी होंगे। ठीक, ये सेवेंथ इंपॉर्टेंट पॉइंट। और पॉलिनेशन इसमें कैसा होता है, एंटीमोफिलस यानी कि इंसेक्ट्स के थ्रू। इसीलिए जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं। ठीक है, ये कलर्ड फ्लावर हमें देख रहे हैं वो इसीलिए ताकि वहां पे क्या हो, इंसेक्ट अट्रैक्ट हो और इंसेक्ट्स के थ्रू वहां पे पॉलिनेशन हो। अब ये जो मैंने यहाँ पे इमेज लगाई हुई है, यहाँ पे हमें दिख रहा है ये इपिकैलिक्स। ठीक है, ये दिख रहा है हमें इपिकैलिक्स, ये वाली जो, ये आपको छोटे छोटे से ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं उसको हम बोलते हैं इपिकैलिक्स। ये तो हमारा क्या हो गया, सेपल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारे पेटल हो गए फ्लावर के। और ये जो ग्रीन कलर का पार्ट हमें दिख रहा है उसको हम बोलते हैं इपिकैलिक्स। ठीक है, और ये हमें यहाँ पे दिखाया हुआ है ड्राई कैप्सूल, ये है ड्राई कैप्सूल, फ्रूट हो गया ये लोक्यूलिसिडल कैप्सूल। ये क्या दिखाया हुआ है यहाँ पे, स्टेमेन जो है अरेंज है, न्यूमरस स्टेमेन आर अरेंज टू फॉर्म अ स्टेमिनल ट्यूब, कॉमन स्टेमिनल ट्यूब। ठीक है, यहाँ पे हमें मोनो एडल्फस कंडीशन देखने को मिल रही है, मोनो एडल्फस कंडीशन। ठीक है, मोनो एडल्फस कंडीशन हमें यहाँ पे देखने को मिली है। और ये क्या दिखाया हुआ है कि यहाँ पे जो ओवरी है, ये ओवरी क्या है, सुपीरियर ओवरी है। ठीक है, ये दिखाया गया है कि यहाँ पे ओवरी इज सुपीरियर। ठीक है, और ये दिख रही है यहाँ पे भी हमें कॉमन स्टेमिनल ट्यूब ये दिख रही है। ठीक है, और ये जो इमेज दिखाई हुई है, यहाँ पे दिखाया गया है कि जो स्टाइल है, स्टाइल इज ब्रांच्ड। हमें मालवेसी फैमिली में ये भी देखने को मिलता है कि जो स्टाइल होता है वो ब्रांच्ड हो जाता है। ठीक है, कैसे, ये हमारा स्टिग्मा होता है। ठीक है, ये स्टाइल होता है और ये ओवरी होती है। अगर हम कोई भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर देखें,
किसी भी फ्लावर का, कोई भी फ्लावर का, तो ये चीज होती है उसमें स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी। ये होती है हमारा स्टिग्मा, ये होता है स्टाइल, और ये होती है हमारी ओवरी, और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स। बट इन केस ऑफ मालवेसी फैमिली हमें क्या देखने को मिलता है, जो स्टाइल होता है वो क्या हो जाता है, ब्रांच्ड हो जाता है, यानी कि इस तरीके से स्टाइल क्या हो जाता है, ब्रांच्ड हो जाता है, ठीक है। और इसके नीचे प्रेजेंट होगी ओवरी और इसके यहाँ पे प्रेजेंट होंगे स्टिग्मा, ठीक है। ये हो गई ओवरी और ये सभी हो गए स्टाइल और ये हो गया हमारा स्टिग्मा। इस तरीके की कंडीशन हमें मालवेसी फैमिली में देखने को मिलती है। यहाँ पे जो मैंने ये लगाया हुआ है, ये है ओवरऑल डायग्राम ऑफ मालवेसी फैमिली। अगर हम फ्लावर देखें मालवेसी फैमिली का, तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलेगा, इपिकैलिक्स। ये क्या देखने को मिल रहा है हमें, इपिकैलिक्स देखने को मिल रहे हैं, फिर हमें कैलिक्स देखने को मिलेंगे, और फिर ये कोरोला, ये पेटल हो गए, और फिर यहाँ पे बेस पे प्रेजेंट होगी ओवरी, और ये क्या निकल रहा हमारा, कॉमन स्टेमिनल ट्यूब, और ये कॉमन स्टेमिनल ट्यूब बना रहे हैं ये सारे एंथर फिलामेंट, और यहाँ पे क्या हो गया, ये स्टाइल क्या हो गया है, ब्रांच्ड हो गया है, ठीक है। ये अगर हम देखें, ये हमें दिख रहा है मोनोएडल्फस स्टेमिन, मोनोएडल्फस स्टेमिन ये दिखा रहा है, ये वाली कंडीशन दिखा रही है मोनोएडल्फस स्टेमिन। और एंथर देखिए, तो एंथर इसका क्या होता है, मोनोथिकस एंथर होता है और रेनी फॉर्म होता है, यानी कि इस शेप का होगा ऐसे करके, और मोनोथिकस यानी कि सिंगल वन लोब का होगा, ओनली वन लोब इज प्रेजेंट, यहाँ पे सिर्फ एक लोब प्रेजेंट है, ऐसे करके यहाँ पे दो लोब प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही लोब प्रेजेंट है और उसके नीचे फिलामेंट हो गया, ठीक है। और अगर हम पोलन ग्रेन देखें, तो यहाँ पे स्पाइनी पोलन ग्रेन है, ये क्या है, पोलन ग्रेन स्पाइनी, स्पाइन्स प्रेजेंट है। अब हम देखें कि स्टिप्यूल्स, लीफ के बेस पे, ये भी बताया था मैंने कि वहां पे स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होता है, ये हेयर लाइक आउटग्रोथ लीफ के बेस पे स्टिप्यूल्स, ये स्टिप्यूल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है। और इसमें प्रेजेंटेशन कैसा होता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन, इस तरीके का एक्साइल प्लेसेंटेशन इसमें हमें देखने को मिलता है, ठीक। अगर हम इसके फ्लोरल डायग्राम में आते हैं, तो फ्लोरल डायग्राम में हमें क्या देखने को मिलता है, सी अगर हम इसका फ्लोरल डायग्राम देखें, ये कंडीशन आपको दिखाई हुई है, सॉरी वेट, सी ये दिखाता है कि जो हमारा फ्लावर है एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक है, फ्लोरल एक्सिस एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है हमारा, ठीक। सेकंड वाला दिखा रहा है पोजीशन हमें क्या, कैलिक्स, ये कैलिक्स की पोजीशन दिखाई है। थर्ड हमें दिखा रहा है इसमें जो इपिकैलिक्स प्रेजेंट है वो, और फोर्थ वन जो हमें दिखा रहा है वो दिखा रहा है हमें जो स्टिप्यूल्स प्रेजेंट है वो, ठीक है। तो हमने देखा था जो कैलिक्स है उनमें क्या है, वेलवेट एस्टिवेशन प्रेजेंट है और उनका नंबर 5 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और ये वेलवेट एस्टिवेशन में प्रेजेंट है। फिर उसके बाद हमने कोरोला देखे थे 1, 2, 3, 4, 5, और ये यहाँ पे जो बनाए हुए हैं दीज आर, ये है हमारे एंड्रोशियम, ऑलराइट, ये एंड्रोशियम है, ठीक है, जो कॉमन स्टेमिनल ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे, ये एंड्रोशियम है। और ये जो अंदर हमें पार्ट दिखाया गया है, ये हमारी हो गई गाइनोशियम ओवरी वाला पार्ट, और इसमें हमें एक्साइल प्लेसेंटेशन दिखाया गया है, ठीक है। ये कॉमन सा सबसे सिंपल सा फ्लोरल डायग्राम था। अब अगर हम इसका फ्लोरल फॉर्मूला लिखें, ये तो क्या था इसका, फ्लोरल डायग्राम। अब अगर इसका फ्लोरल फॉर्मूला हम लिखें, तो कैसे लिखा जाएगा,
किसी भी फैमिली को अगर हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसका फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। उसके अगर हमने वो नहीं लिखा है तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लोरल फॉर्मूला लिखना। तो अगर हम इसका फ्लोरल फॉर्मूला लिखे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, एपिकैलेक्स भी प्रेजेंट होते हैं और फ्लावर क्या होता है, ब्रैक्टीड। तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्लावर में क्या प्रेजेंट है, ब्रैक। तो हमने लिख लिया उसको ब्रैक्टीएट फ्लावर, बी आर से हमने दिखा दिया कि वो फ्लावर कैसा है, ब्रैक्टीएट है। नेक्स्ट हमने दिखाया कि जो फ्लावर है वो एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक, हर्माफ्रोडाइट है, तो यानी कि मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। फिर हम दिखाएंगे कि उसमें एपिकैलेक्स प्रेजेंट है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि वहां पे एपिकैलेक्स भी प्रेजेंट होते हैं। कितने एपिकैलेक्स, 6 to 9 एपिकैलेक्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। फिर आते हैं हम कैलेक्स, कैलेक्स कितने हैं, 5, और ब्रैकेट का मतलब हो गया कि वो गैमोसेपलस है, ठीक है। फिर आते हैं हम कोरोला में, कोरोला कितने होते हैं, 5 से इनडेफिनेट इन नंबर, ब्रैकेट हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे क्योंकि वो फ्री होते हैं, पॉलीपेटलस होती है कंडीशन। फिर हम आएंगे एंड्रोशियम, एंड्रोशियम कितने होते हैं, इनडेफिनेट, उनका कोई नंबर फिक्स नहीं होता है और वो क्या होते हैं, कोरोला से अटैच्ड होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, तो इसलिए हमने ऊपर से सॉरी तो इसलिए हमने ऊपर से ये वाला, ये जो आर्क बनाया हुआ है वो यही दिखा रहा है कि जो ये एंड्रोशियम है वो कोरोला से फ्यूज्ड है, ठीक। फिर उसके बाद गाइनोशियम की कंडीशन हम दिखाएंगे, गाइनोशियम क्या है, सुपीरियर है, तो हमने नीचे डैश लगा दिया। कार्पल कितने प्रेजेंट है, पेंटाकार्पलरी टू मल्टी कार्पलरी है, पॉलीकार्पलरी है और फ्यूज्ड है कार्पल, तो इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया। समझ में आ गया, ठीक है। और चाहो और कुछ और भी लिखना चाहते हो तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है ना, मोनो एडल्फस कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर फ्लोरल फॉर्मूला इस तरीके से लिख दिया तो बहुत बढ़िया है, तो टीचर मतलब जो लिखा हुआ है उसको भी नहीं पड़ेगा, ये फ्लोरल फॉर्मूला में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ गई है कि फ्लावर ब्रैक्टीएट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, हर्माफ्रोडाइट है, उसमें एपिकैलेक्स भी प्रेजेंट है, 6 to 9 एपिकैलेक्स हैं, कैलेक्स कितने हैं, 5 हैं, और क्या है, गैमोसेपलस है, कोरोला 5 to इनडेफिनेट है, फ्री है, पॉलीपेटलस है, एंड्रोशियम इनडेफिनेट है, फ्यूज्ड है और मोनो एडल्फस कंडीशन प्रेजेंट है, गाइनोशियम सुपीरियर है, 5 to पॉलीकार्प, पेंटा टू पॉलीकार्पलरी है और फ्यूज्ड है, पेंटाकार्प फ्यूज्ड कार्पल है, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ मालवेसी फैमिली और ये हो गया हमारा फ्लोरल डायग्राम। तो लास्ट में मैंने ये स्लाइड लगाई हुई है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन देख सकते हैं स्टाइल की। या ये हिबिस्कस का फ्लावर है, वेट ये दिख नहीं रहा है, ये हिबिस्कस का फ्लावर है, तो यहाँ पे आपको स्टाइल दिख रहा है कि ये स्टाइल क्या हो गया, ब्रांच्ड हो गया है, ठीक है, ब्रांच्ड स्टाइल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर नेक्स्ट हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये वाली, इसमें भी स्टाइल क्या हो गया है, ब्रांच्ड हो गया है। यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है स्टाइल कितना सुंदर तरीके से ब्रांच है, ये हमें दिख रही है मोनो एडल्फस कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्टाइल ब्रांच हो गया है, ठीक है, ये मोनो एडल्फस कंडीशन, कॉमन स्टेमिनल ट्यूब, ठीक है, ये सभी क्या है, डिफरेंट मालवेसी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उनके फ्लावर्स हैं। तो आप एक एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, एक रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं कि ये तरीके से यहाँ पे ये कंडीशन देखने को मिलती है, ये स्टाइल ब्रांच्ड हो गई है। ऑलराइट, सो यहाँ ही तक थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट कीजिए नीचे और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस के लिए। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, मैं वीडियोस को लेके आते रहूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।